पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारी बात कही, एक सेठ जी थे और सेठ जी का एक बहुत सुंदर मकान बना हुआ था। सामने देखते हैं एक गरीब दरिद्र की एक कुटिया बनी हुई थी, एक झोपड़ी बनी हुई थी। अब ये बेचारा गरीब ये चाहता है कि ये सेठ जी मुझसे बात करें, मुझसे प्यार करें, लेकिन सेठ जी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अभी बेचारा बड़े परेशान। जब ये परेशान हो गया, उधर से देखा एक संत भगवान का पदार्पण हुआ। संत भगवान आए, चरणों में बैठ गया। गुरुदेव, ये मेरे सामने जो कोठी बनी हुई है, ये साठदार से आदमी की कोठी नहीं है, ये किसी सेठ की कोठी है। मैं ये चाहता हूं कि ये सेठ मुझसे बात करे। जब भी ये निकलता है मैं पैर भी छू लेता हूं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करता। संत मुस्कराए, बेटा आप इससे बात करना चाहते हो, ये आपसे बात करे ऐसा चाहते हैं? बोले हाँ। बोले इसके बच्चे हैं? बोले हाँ हैं बच्चे। बोले बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकलते हैं? बोले बिल्कुल निकलते हैं गुरुजी। बोले बच्चे जब घर से बाहर खेलने के लिए निकले तो उनको गोद में लेकर के खिलाना, और जो भी तेरे यहां रूखी सूखी प्रसादी उसको खिला देना। संत की बात को स्वीकार कर लिया। संत भगवान वहां से चले गए। अब जैसे ही बच्चे घर से बाहर निकले, ये बच्चों को गोदी में खिलाएं और उनको जो भी प्रसाद है खिला दे। अब बच्चे ने एक दिन प्रसाद खाया, घर चले गए, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सेठ ने फिर यही किया। उन्होंने ये बात जाकर के बच्चों ने अपनी माँ से कही, माँ ये हमारे घर के सामने झोपड़ी में रहता है ना ये गरीब किसान, ये हमें सारे दिन अपनी गोद में खिलाता है, अपने यहाँ जो भी प्रसाद होता है भोजन भी हमें करवाता है। तो मैया के पहले दिन समझ में नहीं आया, दूसरे दिन फिर सेठ ने वही किया। अब उसकी सेठ की जो पत्नी थी उसने समझ लिया कि हम इससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, ये सारे दिन हमारे बच्चों को खिलाता है। करुणा का भाव आ गया। ये बात शाम को सेठानी ने सेठ जी से कहा। बोले सेठ जी, ये सामने वाला जो दरिद्र है ना गरीब, इसको मुंह सीधे मुंह बात नहीं करते, ये हमारे सारे दिन हमारे बच्चों को खिलाता, और एक दिन नहीं कई दिन हो गए इसको खिलाते हुए। ऐसा करो, मेरा मन करता है कि सामने वाले से कहो उसके परिवार का भोजन हमारे, उसके सारे परिवार का भोजन हमारे। भैया, अब ये सेठ जी ने कहा, नौकर तो क्या जाएंगे, मैं खुद ही जाता हूं। जो सेठ सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज वो सेठ पैदल चल के आया। बोला भैया, तेरे पूरे परिवार का भोजन आज हमारी कोठी में है, पूरे परिवार से तुझे भोजन करना है। पैरों तले धरती खिसक गई, आश्चर्य में पड़ गया, कहा ये सेठ मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज मुझे भोजन करवाएगा। सेठ जी के घर वो किसान भोजन करने गया। प्रिय भक्तों, कहने का भाव, जब हम किसी के बच्चे से प्रेम करेंगे, इस किसान ने सेठ के बच्चे से प्रेम किया, तो सेठ नंगे पैरों उसके घर गया, सेठ चल करके आया और भोजन भी करवाया जो बात नहीं करता था। इसी तरह से हम सबका सेठ कौन है? वो परमपिता परमात्मा, और उसके बच्चे कौन? ये संसार ही उसका बच्चा है। जब हम आपस में मित्री भाव से रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो परमात्मा भी हमारे पास जरूर हाजिर होगा।